नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोस्तों, आज का हमारा विषय है थायराइड। थायराइड एक ऐसी बीमारी जो देखा जाता है आदमियों के मुकाबले औरतों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। जब हमारे शरीर के हार्मोन इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तब हमें थायराइड की शिकायत होती है और आगे चलकर ये थायराइड जैसी बीमारी नए नए रोगों को सबब बनती है और नए नए रोग हमारे शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। जब हम थायराइड के शिकार हो जाते हैं, हमारे खान पान में उतार चढ़ाव आता है, हमारे वजन में उतार चढ़ाव आता है, तो डॉक्टर सबसे पहले हमें परामर्श देते हैं कि आप अपना थायराइड चेक कराइए। तब हमारे दिमाग में एकदम सवाल आता है कि आखिर थायराइड टेस्ट है क्या, थायराइड होता क्या है, इसको जांच कर हमारे रोगों से इसका क्या लेना देना है। इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे और जानेंगे थायराइड होता क्या है, थायराइड टेस्ट क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे शरीर में रोगों को प्रवेश करने का न्योता देता है। इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मानपुरी जी महाराज से कि थायराइड के बारे में सारी चर्चा और सारी चर्चाओं में हम बात करेंगे स्वामी जी के थायराइड आखिर होता क्या है और उसका निवारण क्या है। सबसे पहले मैं कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहती हूँ और मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, दर्शकों अगर आप छोटे से छोटे या बड़े से बड़े शहर में मौजूद हैं, किसी गांव में भी मौजूद हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, आपकी सभी समस्या का निदान आपको प्राप्त होगा, हर बीमारी का समाधान आयुर्वेद में उपलब्ध है और स्वामी जी गारंटी कहते हैं कि आयुर्वेद में हर बीमारी संभवतः उसका इलाज संभव है और निश्चित ही आपको निरोगी बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना होगा उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप लाइव कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी से बातचीत कर सकते हैं, उनको अपने प्रश्न बताकर, अपने रोग बताकर उसका समाधान पा सकते हैं। स्वामी जी, जैसा कि हमारा विषय है आज थायराइड का, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि थायराइड है क्या। देखिए, थायराइड एक डिजीज है और डिजीज को नाम उसके लक्षणों से दिया जाता है। जैसे दर्द कोई बीमारी नहीं है, बीमारियों का आईना होता है। थायराइड में हार्मोन्स अनबैलेंस होने से लेकर के तीन प्रकार की होती हैं ये, और इनके अलग अलग कारण होते हैं जी। अगर आप मेंटली डिप्रेस्ड हैं ज़्यादातर तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है। आपके दर्शकों को मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से बता दूं, जो छोटी सी जानकारी है लेकिन लोग उसे अवॉइड करते हैं। जब भी किसी महिला के बाल जरूरत से ज़्यादा टूटने लगे वो भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं जी। हार्ट बीट बढ़ने लगे वो भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं। वजन कम होने लगे वो भी उसके लक्षण हो सकते हैं जी। ज़्यादातर उसमें बुखार आने लगे वो भी लक्षण होने लगते हैं। थायराइड के बारे में अगर देखा जाएगा तो एलोपैथ में तो इसे अनक्योरेबल ही माना जाता है, क्योंकि जब तक आप मेडिसिन लेते हैं तब तक आप ठीक रहते हैं, बाद में एक लिमिट के बाद वो फिर से जनरेट हो जाता है और एक लिमिट के बाद ये कैंसर का भी स्वरूप बना लेता है जी। स्वामी जी, देखा जाता है जिसको थायराइड हो जाता है उसका मोटापा भी दिन पे दिन बढ़ने लगता है, तो क्या वो रोगों को न्योता दे रहा है? वो उसके डिजीज है, वो मोटापा बढ़ना या रोगों को न्योता देना उसका एक अलग रीजन, मेट्रापोलिज्म से रिलेटेड है, हमारी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स से रिलेटेड है, बोन म्यूरोस से रिलेटेड है, हार्मोन से रिलेटेड है। सबसे पहले आपके ब्रेन में 150 बीटा सेल्स और 6 सीक्वेंसेस है। बॉडी में हर चीज़ को जनरेट करने के हार्मोन्स पॉइंट कहाँ है? हमारे ब्रेन में है जी। उन पे जितना ही प्रेशर आएगा उसी तरीके से आपकी बॉडी बन जाएगी। रही बात मोटा और दुबला होने की बात, नो डाउट थायराइड के पेशेंट का वेट कम होता है। और कुछ लोगों का जो नेचुरल नेचर है, जैसे किसी की बॉडी ड्राई है, किसी की तेलीय त्वचा है, किसी का सूखी त्वचा है, किसी को ठंडियों में ऐसे करेंगे तो स्किनिंग बन जाएगी, किसी को गर्मियों में नहीं होगा जी। कुछ लोगों का नेचर ऐसा है कि अगर वो टेंशन में रहेंगे तो मोटा हो जाएंगे, उसको थायराइड का लक्षण कहेंगे जी। जब वो डिप्रेट है, उनका खान पान भी ढंग में नहीं हो रहा है, उसके बाद भी फैट अगर बढ़ता जा रहा है तो जिलेटिन है। जैसे ये पोर्शन है यहाँ पर गोल ऊंचा से हो जाएगा, यहाँ फैलना चालू हो जाएगा, वो जिलेटिन है, वो थायराइड की ओर इंडिकेट करता है जी। स्वामी जी, जैसा कि मैंने ओपनिंग में भी कहा कि आदमियों के मुकाबले औरतों में सबसे ज़्यादा थायराइड की प्रॉब्लम देखी जाती है और एक रेशो देखा जाए तो आदमियों की संख्या बहुत कम है और औरतों की सबसे ज़्यादा, तो उसका कारण क्या? देखिए, रेशियो अगर आप देखेंगे तो 78% तक फीमेल में बताया गया है जी और पुरुषों में। उसका दो रीज़न है, पुरुष का जो ब्रेन है उसका जो नेचर वो अलग टाइप का है, वो उसको मतलब कोई भी चीज़ को टाल देना उसको दिमाग में नहीं लेने की आदत है।
और जो फीमेल बॉडी कॉन्स्ट्रक्शन है वो टोटली आयरन प्रोटीन कैल्शियम पे डिपेंड होता है, बोन म्यूरोस पे डिपेंड होता है। दूसरा, आजकल की महिलाओं की बात अगर करेंगे तो आपको मैं थोड़ा अतीत में ले जाना चाहूँगा प्रियंका जी, कि आज से 30 साल पहले इस बीमारी का कहीं नाम ही नहीं था जी, कोई जानता भी नहीं था। 30 साल पहले थायराइड क्या है इसका कोई इश्यूज नहीं था। होता क्या था कि उस समय हमारी महिलाएं, हमारी माताएं फिजिकली वर्क करती थी, खान पान उनका शुद्ध और सात्विक था। आज की महिलाओं का क्या है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो 30 साल पहले एक फीमेल का कंप्लीट वीमेन लुक 20 साल के बाद होता था, लेकिन आज उस महिला का जो कंप्लीट वीमेन लुक है वो 14 साल के बाद ही महिलाओं में फिजिकली ग्रोथ हो जाता है। एक्सटर्नल तो फिजिकली डेवलपमेंट हो गया है, बट सी कैन नॉट प्रिपेयर इंटरनली। ओके, उसके इंटरनल कोई चीज की कैपेबिलिटी तो है नहीं, वो अपने अस्तित्व को भूल जा रही है और वो उन हर चीजों के सुखों की तरफ अग्रसर होती है जो एक एज के बाद होनी चाहिए जी। उसका फिजिकली डेवलपमेंट एक्सटर्नल है बट इंटरनली नहीं कर पा रही है। जैसे आज एक बच्ची है, उसके फिजिकली डेवलपमेंट होने का कारण क्या है? उसमें हम फैटी आइटम्स ही खा रहे हैं, हम पेस्टिसाइड युक्त चीजों को खा रहे हैं, हमारा आहार विहार सात्विक नहीं है, हम भौतिक सुविधाओं में, सौंदर्य में और उनमें चले जा रहे हैं। ईश्वर ने यह शरीर दिया, हम उसको केयर नहीं कर पा रहे। तो थोड़ा सा महिलाओं में आजकल क्या हो गया कि उन्हें सुंदर दिखना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करते हैं, थ्रेडिंग से लेकर पता नहीं कितने कितने भूत लगा लेते हैं वो, लेकिन उससे फेस में और नुकसान ही होगा, स्क्रीन एलर्जी हो जाएगी। तो इनपे शारीरिक क्षमता तो है नहीं और मानसिक प्रताड़ना ज्यादा है जी। पूर्व समय में हमारे यहाँ संहिताओं के आधार से बताया गया कि महिलाओं के मस्तिष्क में सिंदूर लगाया जाता तो भी 2.5 इंच तक यहाँ पर, तो तलवा यही है, जब हम बच्चे थे तो यहीं पर तेल लगाया जाता था, तलवा है। आफ्टर मैरिज एक महिला पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न ज्यादा होता है, जिसे हम भौतिक सुखों का या भौतिक दुनिया में आनंद का नाम दे सकते हैं। तो सिंदूर के अंदर मरकरी है और उसको लगाने से उसे मेंटली रिलैक्स हो जाता है जी। स्वामी जी, थकान जो होती है ये, या हम कहें शारीरिक ताकत जो है हमारी खत्म होती जाती है, तो क्या ये कारण भी एक थायराइड का? उसको डायग्नोसिस करना आपके नजदीक का जो वैद्य है उस पर डिपेंड करता है जी। मान लीजिए अब हम ओपनली ही बात करेंगे आपसे, एक्चुअल मर्यादाओं में रह करके भी काफी चीजें नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए एक महिला है, उसको व्हाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं लिक्वेरिया, तो भी थकान होगा जी। मान लीजिए उसको फीवर ज्यादा दिन रह गया है, उसके इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, तो भी थकान होगा। थकान होने का, वीकनेस होने का रीजन मात्र थायराइड ही नहीं है। ओके, थायराइड के पेशेंट को हम कितनी भी दवा दें उसको 3 चीजें कॉम्बिनेट करनी होती हैं, ब्रेन टॉनिक, इम्यूनिटी पावर डिफिशिएंसी और लीवर के लिए मेडिसिन जी। अगर ये तीनों में से एक ही दवा हम देते जाएंगे, स्टीरॉयड देते जाएंगे, तो बाद में वो स्टीरॉयड काम नहीं करेगा उसका। तो स्वामी जी, आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान भी थायराइड पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। बिल्कुल, पूर्ण रूप से 90% प्रभाव डालता है। तो स्वामी जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ, और आप कृपया करके बताइए कि क्या क्या खान पान करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिये, खान पान की बातें मैं कहूंगा तो अभी आपके आगे बोलूंगा, और बाद में जाकर जब वो बोलेंगे तो स्वामी जी मैं जैसे भी हूँ तुम्हारे बाप का क्या जाता, बट मैं ये बता दूं आपको, आज आपको सुबह उठ करके और शाम तक जी, प्रकृति और प्रवृत्ति के समाहीकरण का नाम है। आप सुबह जब भी उठिए नंगे पैर कम से कम 20 कदम जरूर चलिए आप, क्योंकि पृथ्वी से मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है। ओके, आप जब 5 बजे उठते हो, कभी आप फील करना 5 बजे उठ के बाहर गार्डन में जाओ तो आपको ऐसा आनंद आएगा, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन मिल रहा है आपको। आप 9 बजे उठ के बाहर जा रहे हैं तो पोल्यूशन भरा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। आप जल्दी जल्दी उठ रहे हैं, जो बाहर की चीजें खा रहे हैं, देखिए मैं भी कंपनी चलाता हूँ फूड की, मैं अच्छत फूड है मेरा, ब्रह्मांड फूड है मेरा, तो मैं आपको थोड़ा फूड की तरफ भी बता दूंगा कि हम लोग कैसे खाते हैं जी। जैसे हमसे लोग बोलते हैं महाराज जी आपकी चीजें बहुत महंगी होती हैं। नहीं, महंगी नहीं है, मैं सही चीज देना चाहता हूँ। साधारण होता क्या है कि लाल मिर्ची को लाएंगे तो उसका जो बेसिक कास्ट है वो उससे महंगा है, जितने में लोग बेच रहे हैं, तैयार करने में ही उससे ज्यादा लागत है। लोग क्या करेंगे, 5 क्विंटल ये है तो उसमें 4 क्विंटल मसूर की दाल, 25 क्विंटल उसमें रतन ज्योति मिक्स करके दे दिया, 30 वाले को 200 में बेच दिया, आपकी नजरों में तो सिर्फ मिर्ची है जी। तो उसी तरीके से हम जो खान पान कर रहे हैं उसका क्या रीजन है जी। स्वामी जी, इस पर और भी बातें करेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। साहिल।
कहाँ से बोल रहे हैं आप? फतेहाबाद जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। मेरे टॉन्सिल होती है बार बार जी, बार बार टॉन्सिल, बार बार टॉन्सिल हो रही है, इनका कब बढ़ जाता है, और खास तौर से इनको ये कहिए थोड़ा सा क्लाइमेट इफेक्टेड है ये। क्लाइमेट जब भी बदलेगा तभी इनका टॉन्सिल बढ़ जाएगा। तो ज्यादातर आप, जहाँ तक मैं चाहता हूँ कि ठंडे आइटम्स को अवॉइड करें जी, केला ना खाएं, एप्पल ना खाएं, खट्टी दही ना खाएं, ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, और कई बार भोजन के बाद अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहार के बाद दूध ना लें, या चावल के साथ में आप पनीर ना लें। ये सारी चीजें नुकसान देती हैं और इसके लिए आप हमारे यहाँ से दवाई मंगा लें जी। मैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी से कहना चाहूंगी, दर्शकों ये लाइव कार्यक्रम है, आप इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी से बात कर सकते हैं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप उन्हें अपनी समस्या बताकर समाधान पा सकते हैं, ताकि आपको जो भी रोग है, जो भी बीमारी है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, आयुर्वेद के माध्यम से आप उसको ठीक कर सके और अपने शरीर को निरोगी बना सके। तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। स्वामी जी आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। स्वामी जी एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैम मेरा नाम रिया है। जी रिया जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ मैम जी। मैम मैं कुछ भी खाती हूँ तो मेरे को लगता नहीं है और मैं मोटी नहीं होती हूँ। तो आप मतलब क्या फास्ट फूड खाकर अपना जीवन सोच रही हैं कि आप मोटी हो जाएं, या कुछ हेल्दी फूड लेती हैं? बहुत ज्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है फास्ट फूड। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, रिया जी नाम है इनका, और इनके थोड़े से ग्रह दोष का भी असर है। ओके। आदमी का मोटा होना या पतला होना उसके मेंटली सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड है जी। इनकी होप्स बहुत बड़ी है और आसपास का क्लाइमेट उतना इफेक्टिव नहीं है, तो थोड़ा सा इनको अपने ब्रेन को कन्वर्ट करने की जरूरत है। और इनके लिए इम्यूनिटी पावर डिफेंसी जो हमारे यहाँ से ब्रह्मांड बल्य पाउडर आता है जी, जी, उसमें बड़ा ही सुंदर मिश्रण है, सुगंधा है, गोखरू है, सालम पंजा है, उसको लेकर सेवन करें। बाकी रिया जी आप थोड़ा सा है ना सोमवार का व्रत भी किया करके तो आपको काफी लाभ मिलेगा। स्वामी जी जैसा कि इन्होंने कहा फास्ट फूड बहुत ज्यादा पसंद है और उसके जरिए मोटा होना चाहती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जो इंसान कहते हैं कि मैं फास्ट फूड खाकर मोटा हो रहा हूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं, एनर्जिकल हो सकते हैं। अगर कोई स्प्राउट खाएगा, ब्लूबेरी खाएगा, चेरी खाएगा, जो भी खाएगा उससे उसको एनर्जी मिल सकती है, लेकिन बॉडी डेवलप नहीं होगी, क्योंकि मोटापा या शरीर को एनर्जी देने का पहला रोल है बोन म्यूरो का, और हड्डियों के ना कमजोर होने से। अगर हड्डी मजबूत है, बोन म्यूरो स्ट्रांग है, कैल्शियम और ये सारी चीजें मैनेज है, विटामिन बी मैनेज है, तो आदमी मोटा हो सकता है, एनर्जिकल हो सकता है, देखने में पतला होगा लेकिन एनर्जी रहेगी। बाकी इनका जो रिया जी का मैंने देखा है, ये सामने वाले से होप्स ज्यादा करती हैं और होप टूट जाती है इसलिए दुबली हो जाती है। स्वामी जी आयुर्वेद के साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजिकल भी बन गए हैं, आइए अगले कॉलर से। नहीं मैं बन नहीं गया हूँ, मैं हूँ जो वही बता रहा हूँ जी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी अपना नाम बताइए। विक्की शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप विक्की जी? मैम चंडीगढ़ से बोल रहे हैं जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। मैम अभी जैसे मेरी एज 32 है और मेरा वेट जो है वो 85 केजी है जी, तो मुझे काम करने में बहुत परेशानी होती है और खाने से भी मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि भूख बहुत लगती है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि स्वामी जी इसमें मेरे को हेल्प कर पाएंगे? बिल्कुल विक्की शर्मा जी, मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊंगा। आपका 85 किलो, आपकी ऊंचाई कितनी है विक्की जी? बाबा जी मेरी ऊंचाई है 5'5" ओके, 8-10 किलो वेट इनका ज्यादा है जी, जी, जी। और खाना ज्यादा खाने से ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो हमारे सानिध्य में रहते हैं या हमारी मेडिसिन को लेते हैं तो इनको स्लिम एंड क्लीन बना देंगे बिल्कुल, लेकिन इनको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा थोड़ा सा जी, जी, जी। खान पान में आप नियंत्रण रखेंगे और ज्यादातर जैसे बेसन की चीजें, ठंडी चीजें, फैटी आइटम को अवॉइड करेंगे, और जो हमारी दवाइयां हैं उसका सेवन करेंगे, और 6 महीने के बाद ये खुद ही कह देंगे कि अब मेरी एज 32 की है, वजन 75 किलो है और मैं बिल्कुल स्लिम एंड क्लीन हूँ जी। तो विक्की जी मैं आपको कहना चाहूंगी स्वामी जी बिल्कुल आपकी हेल्प कर पाएंगे और ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी भी आपकी बिल्कुल मदद कर पाएगा, बस उसके लिए आप कॉल कीजिए और दवा मंगवाइए, जो भी स्वामी जी ने आपको सलाह दी है उसको अपनाइए और अपने जीवन में शुभता लाइए। स्वामी जी मैं विषय पर लौटती हूँ, जैसे कि हमारा थायराइड का विषय है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, हम खान पान की बात कर रहे थे कि किस तरीके का लाइफ स्टाइल हमारा होना चाहिए, तो कृपया हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन। देखिए लाइफ स्टाइल के लिए मैं आपको एक बता दूं, सुबह आप जल्दी उठें,
सुबह जल्दी उठ करके आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉकिंग करें। मॉर्निंग वॉकिंग करने के बाद अपने जैसे सोकर उठे हैं आप, तो 2 से 3 गिलास पानी पिए। ऐसा है, थोड़े दिन तो लगेगा कि भाई पानी पीना भारी होगा। जी जी। उसके बाद दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के थोड़ा सा बैठ करके जिस मजहब को जिस धर्म को मानते हो मन को एकाग्र करके क्षण मात्र के लिए विचारों की गति शून्य करके उसका ध्यान करिए। उसमें डाइट हल्की लीजिए लेकिन चबा चबा कर भोजन खाइए, बार बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। अभी जल्दबाजी करेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा, क्या करना, अभी मैंगो खाना है, फलाना खाना है, तो मैंगो तो एनर्जिकल है लेकिन आजकल हम छोटी छोटी चीज से आम भी खा रहे हैं ना, तो उसको अलग तरीके से पकाया जाता है केमिकल से, उसको वाश नहीं करेंगे, तो थोड़ा केयर करके खाएं। चावल को अवॉइड करें जी, वातवर्धक चीजों को अवॉइड करें, ठंडी चीजों को अवॉइड करें और हरी सब्जियों का सेवन करें जी। स्वामी जी यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी, दर्शकों फोन कीजिए और हमें अपनी समस्या बताइए और उसका समाधान पाइए। सिर्फ फोन करने के लिए वो नंबर डायल करने होंगे जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्या को सुना जाएगा और उसका समाधान पाया जाएगा। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9923020287, 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287, 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287, 9821201498। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम आरोग्य ब्रह्मांड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। और आपकी सभी समस्याओं के निदान के लिए, आपके रोगों को दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर आयुर्वेदाचार्य स्वामी ब्रह्मांड पुरी जी महाराज। स्वामी जी हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी स्वामी जी। जी नमस्कार, जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। मैं गजेंद्र सिंह राघव बोल रहा हूँ, मनावली दिल्ली से। जी बताइए अपनी समस्या बताइए। हमें, हमारी मिसेज को कैंसर है जी, तो उसके विषय में पूछना था कि आपके यहाँ इसका भी कोई ट्रीटमेंट है क्या जी? कैंसर, कैंसर कौन सा है? प्रोस्टेट में ये, कैंसर है। ये इनको बच्चेदानी में कैंसर था। ओके। 2007 में इनका ऑपरेशन हुआ था, तो बच्चेदानी निकाल दी थी और वो गजेंद्र जी, गजेंद्र जी आपका प्रश्न, जब इनके बच्चेदानी यूट्रस में प्रॉब्लम हुआ था, इनका आपने ऑपरेशन किया था, तो उसके डॉट्स रेक्टम और लिम्फोड तक गए थे या नहीं? क्योंकि ये जो है ना, इसके स्टेरिलाइजेसिस वायरस रीजेनरेटिक है, तो जैसे ही इनकी इम्यून सिस्टम कम होगा उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाएगा। रही बात हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ इसका निदान है, आपको मिलना पड़ेगा प्रत्यक्ष। अच्छा, नहीं उसके बाद पूरी बात सुन लीजिए मेरी। जी जी मैं बिल्कुल सुनूंगा, सुनिए। तो उसके बाद इनका कीमोथेरेपी हुआ था। कितनी बार हुआ था ये? 5 बार हुआ था जी। बाल सारे गिर गए थे या बचे थे? हाँ, बाल सब गिर गए थे जी। ओके। तो उसके बाद फिर जो है हमने ये गौमूत्र वगैरह ऐसी चीजें, तुलसी, एलोवेरा, नीम और ये चीजें सेवन करी और योगा किया जो है, कपाल भाती और अनुलोम। उससे क्या हुआ, 8 साल जो है ठीक रही बीच में, मतलब कैंसर ठीक रहा इनका। उसके बाद ये दोबारा गांठ हुई है। देखिए 2 साल से फिर आयुर्वेदिक दवाई कर रहे हैं हम एक जगह की, लेकिन गांठ बढ़ गई है फिर से। देखिए अगर मैं आपको ये बता दूं कि जिसे आप समझ रहे थे कि 8 साल तक कैंसर खत्म हो गया, वास्तव में वो कैंसर खत्म ही नहीं होता। वो रिपोर्ट ये कह रहे थे कि मदर वायरस इज नॉट अवेलेबल टू योर बॉडी ऑर्गन सेल्स, बट चिल्ड्रन वायरस इज नॉट अवेलेबल टू योर बॉडी ऑर्गन सेल्स, बट मदर वायरस इज अवेलेबल टू योर बॉडी ऑर्गन सेल्स। वो ये कह रहा था कि भाई आपकी जब तक इम्यूनिटी पावर डिफेंसी सही है, तब तक ये प्रतिकार शक्ति बढ़ने के कारण आप पे अटैक नहीं करेंगे। जैसे ही इनका ह्यूमन सिस्टम कम हुआ, वो डेवलप हो रहे हैं। एक बार आप मिलिए, बिल्कुल हो जाएगा, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
जी स्वामी जी, जैसा कि ये बहुत ज्यादा परेशान थे अपनी वाइफ को लेकर, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या इसका समाधान आयुर्वेद में है? इसका आयुर्वेद में और होम्यो में दोनों में ही समाधान है जी। और कई बार क्या होता है कि मानव का एक वृत्ति है और एक नेचर है जी जी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जैसे आप थायराइड की बात कर रहे थे, तो थायराइड में HIV में और कैंसर के बच्चे प्रेगनेंसी तक पे प्रभाव डालते जी। हम इस पर बात करेंगे स्वामी जी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर से बात कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। मेरा नाम विमल जी। विमल जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं आसाम गुवाहाटी से बोल रहा हूँ जी। बताइए अपनी समस्या बताइए। समस्या क्या है कि पेट ज्यादा मोटा होते जा रहा है जी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या गैस भी बनती है आपको? गैस भी होता है। ठीक है विमल जी, एक काम करिए, आपका इश्यूज इतना बड़ा नहीं है, आपका कफ और वात बढ़ रहा है, तो खास तौर से इसके लिए आप देखिए यहाँ पर गुवाहाटी का एक नंबर चल रहा होगा शेखर सिंह करके, और नहीं तो फिर आप है ना लोखरा में जाइए, कृष्णा काटा वालों से पूछ करके वहाँ चले जाइए, आपको दवा मिल जाएगी आसाम में गुवाहाटी में। और थोड़ा सा वातवर्धक चीजों को और चावल वगैरह अवॉइड करिए, समय से खाना खाइए, समय से सोइए, आपकी नींद कम होती है और खाने का कोई समय नहीं है। मैं अपने सभी दर्शकों से इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहती हूँ, दर्शकों हर बीमारी का इलाज संभव है, हर रोगी को निरोगी बनाने का कार्य किया जाता है आयुर्वेद के माध्यम से, लेकिन जब तक आप हमें अपनी परेशानी नहीं बताएंगे, अपनी समस्या नहीं बताएंगे, तो उसका समाधान हम कैसे बता पाएंगे? अगर उसका समाधान आपको चाहिए तो फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए उन नंबर्स पर जो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। लाइव कार्यक्रम के माध्यम से आपको सुना जाएगा, आपकी रोग आपकी बात को सुना जाएगा, आपको जो रोग है उसको सुना जाएगा और उसका समाधान बताया जाएगा। स्वामी जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम कुसुम है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ जी। कुसुम जी, अपनी समस्या बताइए। हाँ जी, मेरे ना ये हाथों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हाथ के अंगूठों में जी, और उसके बाद वो कलाई और कोहनी से होता हुआ। कितने टाइम से हो रहा है? कमर में, उसके साथ कमर में बहुत दर्द है, कमर उल्टी टांग में। जी जी, देखिए कुसुम जी, मैंने आपको सुना इतनी देर से और आपका सीधा इंडिकेशन साइटिका और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की तरफ जा रहा है। हाथ में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी देर में प्रिकिंग पेन शुरू होगा, बढ़ते हुए आ जाएगा, हाथ शून्य होने लगेगा जी जी। ये इंडिकेट करता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस को। तो एक्सरे तो आप बाद में कराइए। आप कहाँ से हैं कुसुम जी? दिल्ली में लगता है हमारे संपर्क टूट गया। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, इसके लिए पहले तो एक गद्दे पे सोना बंद कर दे जी जी जी, वजन ना उठाए, और उसके बाद में सिर के नीचे तकिया लगा करके ना सोए। इसको बिल्कुल लाइट मत समझिए, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है। आज तक मेरा जो अनुभव है, अगर ये देखेंगे तो इनके बैकबोन मेड रज्जा में L4 और L5 में गैप हो सकता है। ओके, और इसे अगर सही समय ट्रीट नहीं किया जाएगा तो बाद में यहाँ सुन होते होते पैरालिसिस भी हो सकता है। एलोपैथ में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो इसको अट्रैक्शन देंगे, लास्ट में मोमेंट करेंगे। तो अगर ये एक बार मुझसे मिल जाते हैं तो इनकी नॉर्मल सी दवा और कुछ फिजिकली एक्सरसाइज बता देंगे, उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ध्यान रहे कुसुम जी, आपका वेट ना बढ़े, वो आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो कुसुम जी, मैं आपको कहना चाहूंगी, जो भी स्वामी जी ने आपको सलाह दी है, जो भी परामर्श दिया है, आप उसको अपनाइए, निश्चित ही आपको जो भी परेशानी है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगले कॉलर से बात करते हैं स्वामी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नमस्कार। सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए प्लीज। एक मिनट मैडम जी। जी बताइए अपनी समस्या बताइए। हाँ मैडम, मेरी समस्या ये है कि मेरी वाइफ की गॉल ब्लैडर में 5 mm का स्टोन है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या उसका कोई बिना ऑपरेशन का इलाज है क्या? देखिए बिना ऑपरेशन का इलाज है और वो ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन हाँ। लेकिन ये स्टोन जो है ये रीजेनरेटिक होता है, एक बार स्टोन का निकल जाना ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि वो बार बार जेनरेट होता है। वो क्षारीय अम्लीय पानी से भी होता है, जहाँ पानी का TDS और pH मेंटेन नहीं रहेगा उसके पीने से भी होता है, वातवर्धक गरम मसाले के ज्यादा खाने से होता है। तो इसकी दवा से तो ये निकल जाएगा, लेकिन दोबारा ना हो, इसमें थोड़ा सा आपके
जो रोगी हैं उनका भी सहयोग चाहिए कि आहार विहार में नियंत्रण। जी जी, मतलब आयुर्वेद की अगर ये दवाइयाँ लेते हैं और आयुर्वेद के माध्यम से इसका इलाज कराते हैं तो ये दोबारा होना भी मुश्किल है? नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अपना सपोर्ट दीजिए और आयुर्वेद में अपना इलाज कराइए, निश्चित ही जो भी उनके स्टोन है वो दूर हो जाएगा। और जो आने वाला रीजनरेट जो बोला है स्वामी जी ने कि वो रीजनरेट है, वो भी समस्या आपकी हल हो जाएगी। आइए स्वामी जी अगले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम देव है। जी देव जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए, समस्या बताइए। अच्छा जी, मेरी धर्म पत्नी को स्केलोडर्मा नाम की बीमारी है। जी, तो उसके विषय में किस तरह से आयुर्वेद में कोई इलाज है? जी देखिए, सिलोडर्मा, लिकोडर्मा ये सारी चीजों का इलाज है, लेकिन उसके होने के कई रीजन है। ये एक सेल्फ क्रिएटेड बीमारी है और भारत में 2-3% लोगों को ही होती है, ज्यादा प्रचलित नहीं है। इसके लिए आपको एक बार मुझसे मिलना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे पास समय भी कम है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊंगा। तो आप आप बाद में कॉल कर लीजिए और मुझसे मिल लीजिएगा, जरूर निदान हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। जी जी जी, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर स्वामी जी आपको बोलते हैं कि आप, क्योंकि लाइव कार्यक्रम में हम ज्यादा आपसे नहीं बात कर पाएंगे, ज्यादा समाधान आपको नहीं बता पाएंगे, आप इन नंबर्स पर कॉल करके अपॉइंटमेंट लीजिए, स्वामी जी से मिलिए और अपनी समस्या का विस्तार से निदान पाइए और दवा को अपनाइए और अपने जीवन में खुशियां लाइए। स्वामी जी विषय की ओर लौटते हैं, थायराइड पर हम बात कर रहे थे, जो कैंसर की बात कर रहे थे हम, कि थायराइड से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है? हो जाता है। क्यों? थायराइड से कैंसर के लिए क्या, कैंसर जैसे हमारी बॉडी में 95% तो काफी बीमारियों के वायरस होते ही हैं। जी। हार्मोन्स जैसे अनबैलेंस होने लगता है हमारे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो गया, सबसे पहले कि आपको परमानेंट फीवर आएगा। फीवर आने के बाद आपकी हार्ट बीट जैसे 72 से 78 का रेशियो है वो भी बढ़ जाएगी। जी, जी, बाल जी। भी टूटने लगेंगे, वेट भी कम होने लगेगा, फीवर भी होने लगेगा और मेंटली आप डिप्रेट हो जाएंगे, फिर ये हाथ पैर एकदम मस्कुलर डिस्ट्रोफी की तरफ भी कन्वर्ट हो जाएगा। जी, जी। तो आपकी ह्यूमन सिस्टम जैसे ही कम हो जाएगी फिर ये वायरस प्रभावी हो जाते हैं और कैंसर हो जाता है। जी स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनको थायराइड से जुड़ी हुई सारी बातें बताई और उनको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरीके का लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहूंगी, दर्शकों हर बीमारी का इलाज संभव है, अगर आप किसी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे हैं और आपको कहीं पर भी उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है तो हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में उपलब्ध है। और स्वामी जी 110% गारंटी के साथ बोलते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी में उपलब्ध है। आइए और अपनाइए दवा और अपने रोगी शरीर को निरोगी बनाइए। फिलहाल कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का, तो मुझे और स्वामी जी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हल्दी, जीरा, मिर्च, धनिया, हींग और गरम मसाला, अक्षत मसाले शुद्धता की पहचान, स्वाद और सेहत में सबसे आगे। अक्षत मसालों की होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9932302287, 8860867515। ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी ISO सर्टिफाइड को चाहिए संपूर्ण भारत में डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498। अक्षत फूड प्रोडक्ट को चाहिए संपूर्ण भारत में फ्रेंचाइजी व डिस्ट्रीब्यूटर, संपर्क करें 9923020287 9821201498। ब्रह्मांड आयुर्वेदा लेकर आए हैं सभी रोगों के लिए अचूक दवा, सभी साध्य और असाध्य रोगों के लिए पाएं आजीवन दवाओं का लाभ मात्र 11,000 रूपए की लाइफ टाइम मेंबरशिप के साथ। मेंबरशिप लेने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, हमारा नंबर है 9371792689158596974 7057664735 9049
3242-4283। मेंबरशिप के लिए आप हमारे बैंक अकाउंट में भी राशि को डिपॉजिट कर सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है 7011-92373। कोटक महिंद्रा बैंक। हमारा IFSC कोड है KKBK00006 97। शिवाजी नगर, जलगांव, महाराष्ट्र। पिन कोड 4250001। ब्रह्मांड आयुर्वेद फार्मेसी जनसेवा में समर्पित।